हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 11 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल यूपी ट्रिपल एससी यूके ट्रिपल एससी और अन्य स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोज आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं। तो देखा होगा कि जो घड़ियों में जो कुछ क्वार्ट्ज घड़ी होते हैं, जिनकी जो सेल वाली होती है, बैटरी वाली घड़ी होती है, उसमें जो क्वार्ट्ज बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो देखिए कि ये सिलिकन डाइऑक्साइड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, सिलिकन डाइऑक्साइड हम देखते से जिसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज या स्फटिक के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, एक खनिज है जो साधारणतः हम देखते हैं कि एक रंगहीन, पारदर्शी और कठोर होता है। और यह रेत एवं ग्रेफाइट का मुख्य घटक होता है। अब इस फिगर में देख रहे होंगे, ये है क्वार्ट्ज, इनकी जो इसको हम कहते हैं स्फटिक भी कहते हैं। और इसका अणुसूत्र क्या है, SiO2 है इसका अणुसूत्र। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से झूठ पता लगाने वाला यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो झूठ पता लगाने वाला जो यंत्र है जिसको हम कहते हैं पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसको हम कहते हैं लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जॉन अगस्तस लार्सन ने 1921 में इसकी इन्होंने खोज की थी। और देखिए, इसमें क्या होता है, इस लाई डिटेक्टर मशीन में इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग के सिग्नल को देखा जाता है। और एक जो है उसमें क्वेश्चन किया जाता है और जिससे पूछा जाता है, तो वो क्या करता है कि जब उसमें सिग्नल आती है तो उसमें क्या होता है कि इसके हार्ट और ब्लड प्रेशर इसमें जो है एक तरह से बढ़ जाता है, जिससे पता लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो इस तरह की ये मशीन है, ठीक है, लाई डिटेक्टर मशीन। देखिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखेंगे, यहाँ पे सिस्मोग्राफ है, ऑडियोमीटर है और एनीमोमीटर है, ठीक है। तो देखिए, सिस्मोग्राफ का पता क्या लगते हैं, इसमें भूकंप के झटके की जो होती है, भूकंप आती है इनके अर्थक्वेक, उसकी तीव्रता रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ में। और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है। और एनीमोमीटर में हम देखते हैं कि वायु की गति को जो है मापा जाता है एनीमोमीटर में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन मफलर इनकी ये क्या है। तो देखिए, ग्रीन मफलर क्या है, एक प्रकार के हम देखते हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ग्रीन मफलर में होता क्या, जितने भी जो घनी आबादी है या हम कह सकते हैं जो आबादी वाले क्षेत्र के आसपास में हम देखते हैं कि जो, या जैसे हम कहते हैं कि सड़कों औद्योगिक क्षेत्र के आसपास जो राजमार्ग है उनमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है, उसको कम करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया था। और इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में घने पेड़ लगाए जाते हैं, जहाँ भी प्रदूषण होता है उसके आसपास में घनी पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि जो है एक तरह से जो है ध्वनि के प्रदूषण को कम किया जा सकते हैं और आसपास के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से रह सकें। देखिए, इसके लिए जो पेड़ लगाते हैं, अशोक या नीम के पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब के बीज में इनकी एप्पल के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है। देखिए, एमेगडालिन नाम एक तत्व मौजूद होता है सेब के बीज में और ये बहुत ही जहरीला होता है, इसके सेवन से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें देखिए, एक तरह से ये पाचन एंजाइम में संपर्क में जब भी आता है तो ये एक तरह से साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है। और इसमें देखिए, साइनाइड होता है जिसके हमारे शरीर में प्रवेश करने से क्या होता है कि एक तरह से वो हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि मैड काउ डिजीज का क्या कारण है। तो देखिए, मैड काउ डिजीज का क्या कारण है, तो देखिए इसका कारण ये जीवाणु से नहीं होता है, ना वायरस से होता है, ठीक है। तो ये होता है पीरियन से होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, यह एक प्रकार का ऐसी बीमारी है जो हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों के कारण होती है और ये पशुओं में होता है और इससे पशुओं के दिमाग जो है प्रभावित होती है। और इसमें इसके इन्फेक्शन के कारण जो मस्तिष्क है, दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो मस्तिष्क है वो स्पंज की तरह बन जाता है। और इन चीज़ों के कारण धीरे धीरे जो है जो पशु हैं उनके दिमाग खराब हो जाता है और एक तरह से वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। और देखिए, मैड काउ डिजीज को क्रूट्सफेल्ड जैकब रोग भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मैड काउ डिजीज ये किसके कारण होता है, पीरियन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और देखिए एक मोल क्या होता है, तो देखिए एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार होता है और उस पदार्थ के एक परमाणु या अणु में AMU एटॉमिक मास यूनिट में भार की संख्या के बराबर होता है और देखिए ये 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो देखिए इस प्रकार फिगर में देख लेंगे इसका क्या कारण है, तो देखिए इसका क्या कारण है, तो ये इसका कारण है प्रकीर्णन एंड की स्कैटरिंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग क्या है। देखिए अगर कोई एक इस तरह की सूरज की किरणें आती है और वो किसी सतह पर टकरा कर ये वापस चली जाती है, इनकी परावर्तित होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर ये सीधी अपनी अपनी जो दिशा है उससे थोड़ा सा ये परिवर्तित होती है, इनकी वो चाहे इधर मुड़ सकती है या इधर मुड़ सकती है, तो उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस तरह अगर चारों दिशा में बिखर जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें हम देखते हैं धूल के कण या अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, और इन कणों के द्वारा प्रकाश की जो वो है किरणें हैं उसको सभी दिशाओं में प्रसारित करना एक तरह से क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, जो मैंने अभी यहाँ पे फिगर के थ्रू आपको बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जोड़ी अदिश राशियों को प्रदर्शित करता है, तो अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में आपने सुना होगा, तो देखिए यहाँ पे अदिश राशि की बात करिए, यहाँ पे अदिश राशि कौन सा प्रदर्शित करता है, तो देखिए दूरी और गति ये हमारे एक तरह से अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए अदिश राशि होता क्या है, तो देखिए कि जिन भौतिक राशियों में हम देखते हैं कि जिन भौतिक राशियों में मात्रा यानी कि परिमाण, परिमाण और दिशा दोनों निहित होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग हो गया, बल, संवेग, इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, लेकिन अदिश राशि में क्या होता है, केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। अदिश मतलब दिशा नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर दूरी, चाल, ये दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान, ये हमारे अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी और गति इसमें दिशा नहीं होती है, तो उसको क्या होता है, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कोरोना वायरस का नाम बताइए जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सार्स। सार्स का फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और एक श्वसन से संबंधित रोग है, और देखिए इस रोग के हो जाने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, सार्स एक ऐसी बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, फ्लोक्विनोन है। ठीक है, फ्लोक्विनोन है। ठीक है, देखिए जितने भी जो विटामिन है उसके आप जो है जो रासायनिक नाम है वो जरूर याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए कि विटामिन के से एक चीज़ और याद रखेंगे कि विटामिन के की अगर कमी होती है तो रक्त का थक्का जो होता है, क्लॉटिंग, वो नहीं जमता है, इनकी अगर कहीं पर कट जाएगा तो वो रक्त बहता रहेगा वहाँ पर जमता नहीं है। ठीक है, और देखिए विटामिन के कौन कौन से स्रोत है, तो पत्ता गोभी है, कैबेज जिसको बोलते हैं, ब्रोकली, पालक, चुकंदर, ये विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी किस टेम्परेचर पर अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। देखिए पानी को जब हम गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे सबसे पहले हम देखते हैं कि वो एक तरह से बॉयल होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो एक देखिए कि एक निश्चित टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेज़ी से घना होने लगता है। वो टेम्परेचर कौन सा है, 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है कि जल का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अधिकतम होता है, और जल का घनत्व टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो कई बार यहाँ से इस तरह के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो घनत्व होता है जल का वो किस पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताया। तो देखिए हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है विस्थापन। विस्थापन की बात करें तो हमेशा तो नहीं होता, ऐसा नहीं है, यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है, बिल्कुल कम हो सकता है। ठीक है, ये राइट लग रहा है। यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है, बिल्कुल गलत है। हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है यहाँ पे, यानी कि वो दूरी से कम हो सकता है। ठीक है, देखिए एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बताया कि देखिए ये है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट,
मतलब एक वस्तु एक स्थान से दूसरी जगह इतना विस्थापित हुआ है, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर वो इस तरह से घूम घूम के गया है तो इतना दूरी इसने तय किया है, डिस्टेंस इसका इतना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापित कितना हुआ है, इतना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या है, कम है, लेकिन तो क्या है कि ये कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ना इससे अधिक हो सकता है डिस्टेंस से, ठीक है, और हमेशा इससे कम नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेरोप्थैल्मिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो देखिए जेरोप्थैल्मिया के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, और देखिए एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो आँखें हैं वहाँ से आंसू उत्पन्न करने में विफल रहता है, यानी कि आंसू उत्पन्न नहीं होती है, और ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जेरोप्थैल्मिया, ठीक है, और इसके लिए ये विटामिन ए की जो है कमी के कारण ये हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, रोग और उसके कारणों की सही विकल्प है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए ये ट्राइकिनोसिस ये जीवाणु संक्रमण नहीं है, बिल्कुल गलत है। स्लीपिंग सिकनेस भोजन न पका हुआ इसके कारण गलत है। तो देखिए यहाँ पे सही विकल्प है एथलीट फूड, ये किसके कारण होता है, फंगस यानी कि कवक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए जो फंगस से होने वाली जितनी भी बीमारी है उसको एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, जैसे गंजा दमाद खाए फ्रूट, देखिए एक ट्रिक है जिसमें हम देखते हैं कि गंजा से यानी कि गंजापन, ठीक है, वालनट जो होता है वो फंगस के कारण है, ये दामा है तो ये दमा रोग हो गया, और द से हो गया दाद, और खा यहाँ से खास हो गया खाज जो हमारी खुजली होती है, और एथलीट फूड, ये सारे एक प्रकार की ऐसी बीमारियाँ हैं जो फंगस के कारण होती है। आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिसार रोग यानी कि डायरिया किसके कारण फैलता है। तो देखिए डायरिया रोग किसके कारण फैलता है, तो मक्खी के कारण फैलता है, ऑप्शन नंबर एक हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए डायरिया के आपके बारे में बता दूँ, ये मलेरिया के परजीवी वाहक है, और ये मादा एनिफिलीज के कारण होता है। ठीक है, मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और ये चीज़ देखेंगे कि मादा एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ध्रुवीय इनकी पोलर वेक्टर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर होगा इसके। ठीक है, विस्थापन और बल दोनों एक तरह से हमारे ध्रुवीय पोलर हैं, इनके वेक्टर हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए भौतिक में क्या होता है, ध्रुवीय वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो संकेत को उलट देता है, जैसे इसका एग्जांपल है त्रिज्यीय वेक्टर। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो देखिए शरीर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पाचन क्रिया हमारे मुंह से शुरू होती है, लेकिन जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वो पेट में ही होता है। ठीक है, तो देखिए मुंह में हम देखते हैं हमारे लार में एक तरह की एंजाइम पाई जाती है जहाँ से हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आप इस पूरे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो मुँह से हमारे पाचन क्रिया शुरू होती है, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो पेट में पचना शुरू होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है। तो देखिए आपने ब्लड प्रेशर का नाम सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो देखिए कि ये हमारे हृदय के जो पंपिंग होती है, और धमनियों के दीवारों यानी कि जो आर्टेरियल जो वॉल होती है उसके प्रतिरोध के फलस्वरूप जो रक्त पे जो दबाव की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार के ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ आप नॉर्मल भाषा में सुने होंगे, लेकिन इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन और ये होता क्या है, तो ये इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही गाढ़े अम्लीय यानी कि एसिडिक विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए ये इसका पीएच मान होता है शून्य से कम होता है। ठीक है, पीएच क्या होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और देखिए बहुत ज़्यादा एसिडिक अगर होगा तो उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी, वो शून्य से कम होगी। ठीक है, और देखिए कि यहाँ पे कुछ एक मैंने लिस्ट दिया है पीएच वैल्यू की, मैंने तो कई बार एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है, नॉर्मली हम इसको 7.4 बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आंसू है सलाइवा, तो ठीक है इसके 7.4 हो गया, इसका 6.5 हो गया, यूरिन का कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, कॉफ़ी बियर वाइन, तो ये लिस्ट आप एक बार ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए टिटनेस रोग जब हो जाता है तो हमारे तंत्रिका तंत्र के नर्व सिस्टम को जो है प्रभावित होती है, वो एक तरह से खराब होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि ये जो हमारी टिटनेस रोग है ये कैसे होता है, तो देखिए मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण जो है
ये घाव हो जाते हैं और हमारे जो बॉडी में जहाँ पे कट जाता है, तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो जो जंग लगे हुए कोई भी ऐसे लोहे हैं उससे अगर कट जाता तो ये एक तरह से वहाँ पे बैक्टीरिया जो है घाव बना देती है, और जिससे हमारी बॉडी में एक तरह का ये रोग हो जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ एक मैंने लिस्ट दिया है कि जैसे कुछ रोग है और उससे होने वाली हमारी जो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे ट्राइकोमा होता है, इससे हमारी आंखें प्रभावित होती है। टाइफाइड जिससे हम देखते हैं आंत के प्रभावित होती है। और पीलिया जिससे हम जो हमारे लीवर इनके सॉरी जिगर में एक तरह से वो ये प्रभावित करती है। और अल्जाइमर रोग ये हमारे मस्तिष्क में दिमाग में प्रभावित करती है। और डिप्थीरिया इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फॉरेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो देखिए अभी रिसेंटली अभी BEO के एग्ज़ाम आया है, वहाँ पे इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36.89 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल तौर पे हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस कह देते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट में 36.89 होता है। और एक तरह से इसको हम देखते हैं कि हमारे मनुष्य का जो शरीर का जो सामान्य स्तर होता है ताप का वो इतना ही होता है, और इससे कम ज़्यादा होने पर हम ये कह सकते हैं कि उसको जो है कोई बीमारी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि हरा रंग एक तरह से इंद्रधनुष के बीच में देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा और यहाँ पे नीला, इंडिगो और वायलेट हैं। और देखिए इसको हम याद रखने के लिए सही तरह पे हम देखते हैं कि विवग्योर, तो यहाँ पे जी आ रहा है बीच में, तो ये क्या है, ग्रीन का एक सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती। तो देखिए इसका मेन कारण क्या है कि जो टावर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र माध्यम से खड़ी रेखा इसके आधार के भीतर होती है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है उसके यहाँ पे कहीं पे होती है, आधार पे होती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो झुकी रहने के कारण भी वो नहीं गिरती है, ठीक है। और देखिए इसका क्या कारण है कि देखिए जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र माध्यम से लंबवत रेखा उसके आधार आती है, जिसलिए हम देखते हैं कि वो स्थिर ही रहेगा, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम है जिस पर ये काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की टिकी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है। तो देखिए ऊर्जा को ना उत्पन्न किया सकती है ना उसको नष्ट किया सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ना ऊर्जा को हम ना बना सकते हैं ना उसको नष्ट की जा सकती है, ठीक है। ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि उसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या है, तो देखिए किसी ऊर्जा को हम सेवा ऊर्जा सेवा के कम उपयोग से हम देखते हैं ऊर्जा की खपत को कम करना, यानी कि उसको बचत करना एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन सी थर्मामीटर होती है। तो देखिए इसके लिए हम देखते हैं कि कुल विकिरण पायरोमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए 2000 डिग्री सेल्सियस से भी हम टेम्परेचर नाप सकते हैं और इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर को भी हम नाप सकते हैं, ठीक है। देखिए एक तरह से हम देखते हैं कि विशेष रूप से ये चलती है और वस्तु या किसी भी सतह के माप के लिए इनकी अनुकूल होती है और जिसे हम पढ़ा नहीं जा सकता है, और ताप विकिरण को माप का ताप की जो है यहाँ पे मापते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको हम किसी चीज़ से नहीं नाप सकते हैं, लेकिन ये कुल विकिरण पैरामीटर के द्वारा हम इसको नाप सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पानी का घनत्व की डेंसिटी किस टेम्परेचर पर अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।